एक्चुअली ये तो हर सरकार बोलेगी, इलेक्शन आने वाले होंगे और रूलिंग पार्टी होगी वो हमेशा कहेगी देखो हमने इतना काम किया, इतनी डेवलपमेंट करी है। लेकिन अब वो तो कहेंगी, वो थोड़ी बोलेंगी कि हमने कुछ काम नहीं किया इसलिए हमें वोट मत देना अगली बार। सरकार ने कुछ अच्छे काम भी किए हैं निश्चित रूप से इस देश के लिए, लेकिन जो जन आकांक्षाएं 2014 में थी जनता को, उस पर वो खरा नहीं उतर पाए। और उन्हें लगता था कि ऐसा आदमी जो मुख्यमंत्री के रूप में मिरेकल कर सकता है, अगर प्रधानमंत्री बने तो मिरेकल करेगा। तो इसलिए अपेक्षाएं बहुत बढ़ गई, और जिससे भी अपेक्षाएं ज्यादा होती हैं उसको फिर जनता ज्यादा बुरी तरीके से प्रताड़ित करती है। तो मुझे लगता है कि है इस सरकार में जुमलेबाजी काफी हुई है, मगर क्या जुमलेबाजी माटी मानो ममता बंगाल में नहीं हुआ है? मुझे लगता है जो अच्छा सरकार ने किया है वो औसत भारतीय के आत्मसम्मान को लौटाने की दिशा में विदेश नीति के क्षेत्र में कुछ किया है। हाँ, इस दावे में ज़रूर दम है कि पिछले 65 साल में सरकारें समाज में इतना विभाजन नहीं कर पाईं, इतना ध्रुवीकरण नहीं कर पाईं, अल्पसंख्यकों के प्रति इतना अत्याचार नहीं कर पाईं, इतने दलितों को पीड़ित और दंडित और मारा नहीं गया जितना बीजेपी ने 4.5 साल 4.5 साल में कर दिया। तो इस मामले में तो उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। सबसे ख़राब बात यह है कि देश का प्रधानमंत्री, जो कि सारे देश का प्रधानमंत्री है, वो जिस अंदाज में, जिस टोन एंड टेनर में बात करता है, उससे लगता है कि वो एक जाति विशेष, एक संप्रदाय विशेष, एक धर्म विशेष का प्रधानमंत्री है। तो ये सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। ये यूपीए या कांग्रेस के ज़माने में कम होता था कि जो नीचे जो पार्टिसिपेशन है वो कम से कम बैकवर्ड्स का बढ़ा है, लेकिन साथ ही साथ जो उम्मीद की जा रही थी कि भाई एक समरसता बढ़ेगी, जो नारा था बीजेपी का पार्टी विद ए डिफरेंस है, और ये कि सबका साथ सबका विकास होगा, वैसा नहीं हुआ। मोदी गवर्नमेंट कहती बहुत है, मोदी गवर्नमेंट कहती बहुत है, उनका कहना ख़त्म नहीं होता लेकिन उनका करना अभी तक देखा नहीं है।